అంబేద్కర్ సాధించిపెట్టిన ఓటు అనే హక్కును మన కోసమే వినియోగించుకోవాలి. బీఎస్పీతోనే బహుజన రాజ్యాధికారం సాధ్యపడుతుందని ఆ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు మీర్జా ఆరిఫ్ బేగ్ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశంలోని అతిపెద్ద రాష్ట్రమైన ఉత్తరప్రదేశ్లో సైకిల్పై ఊరూరా తిరిగి బీఎస్పీని అధికారంలోకి తీసుకువచ్చిన ఘనత మాన్యశ్రీ కాంచీరామ్కి దక్కుతుందని అన్నారు. రాష్ట్రంలో బీఎస్పీ అధికారంలోకి రావాలంటే భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సాధించిపెట్టిన ఓటు అనే హక్కును మన కోసమే వినియోగించుకోవాలని కోరారు. कि 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर वहाँ के जो कर्मचारी लोग थे, सरकारी कर्मचारी फोर्थ क्लास थर्ड क्लास के, उन लोगों को बाबा साहब की जयंती के अवसर पर छुट्टी नहीं दी गई और वहाँ से उनका समाज सेवा हो या राजकारण हो शुरू होता है. और उन्होंने देखा जब वहाँ के एम्प्लॉयज को सस्पेंड कर दिया गया, वो तकरीबन एक दो महीने तक हड़ताल किया उन लोगों ने, मगर वहाँ के मनुवादी लोग जो ब्राह्मण थे उन्होंने इनकी बात नहीं मानी और उसको सस्पेंड कर दिया गया. तो कांचीराम में पूरा माहौल देखते रहे और उन्होंने सोचा अगर ये एम्प्लॉयज लोगों की, जो पढ़े लिखे लोगों की ये हालात है, तो मेरे जो पिछले लोग हैं, जो गरीब लोग है, जो अनपढ़ लोग है, देहातों में रहते हैं, उनकी क्या हालत होगी, ये सोचकर उन्होंने अपने नौकरी को रिजाइन दे के उन्होंने समाज संगठन करने के लिए समाज में उतर पड़े और लोगों को जागरूक किया. पहले उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए बीएसपी निकाले, सॉरी कॉन्सेप्ट निकाला और कॉन्सेप्ट के माध्यम से सभी एम्प्लॉय लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब के, ज्योतिराव फुले के, शाहू महाराज के, रामस्वामी पेरियार जी के, नारायण गुरु के विचार लोगों में डाले और उनको सब बहुजन समाज के लोगों को के राजा अधिकार के लिए उन्होंने जागरूक किया. और वो उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और पूरा जीवन उन्होंने इस बहुजन समाज के लिए, बहुजनों के अधिकार के लिए, बहुजन समाज के उत्थान के लिए कार्य किया. और उन्होंने कार्य करते करते वो 2006 में उनका देहांत हुआ और उनके जो रहस्य अधूरे काम हैं वो अपने को करने के लिए छोड़ के गए, वो काम हमें करना है कि बहुजन समाज को राजा